I begin to हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो पहुंच गए हैं, अभी लग रहे हैं उतारने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। दो उतर गई है, अभी जा रहे हैं दूसरी साइड पर, सूर्य देवता। हो गया, पैसे लेने जा रहा हूँ, पास में ही है। खाना खाएगा, खाना खाना खा रहे हैं। भर जाएगी भरने के बाद नीचे से ऊपर तक पूरा है ऐसे करके, ठीक है ना। अरे तरीके, ये तो मेरा वीडियो हो गया है, ये इधर आओ ना, यहाँ पे आओ ना। कैमरे जीने लगा यहाँ पे भरेंगे, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे भर, हाँ यहाँ पे लगाओ, वहाँ मत भर, वहाँ वहाँ नहीं भरेंगे। हाँ ठीक है, यही पे भर देंगे आप, यहाँ पे भर दे। अरे क्यों, वहाँ पर क्या होगा? भगत फ्रेंड, भगत रात पी के यार गाली दे रहा था मेरे को, भगत पी के गाली दे रहा था मेरे। Thank you.
मासी के साथ में उतार ले, भर जाएगी यहाँ से पूरी, भर जाएगी। चावल छो देख ले कदे नीचे तलसा तुलसा सब कुछ भर दो, देख लिए फिर चावल छो, मच्छी चावल छो, मच्छी चावल छो चाहिए। तो ट्रॉली लगाया हूँ, अभी भरने लग गए, डेढ़ घंटे दो घंटे में भर देंगे, तब तक सो लेता हूँ। वीडियो चल रही है भाई, चलो भाई और चलो। भर गई है तो अभी मारेंगे पलट, फिर चलेंगे कमरे की तरफ। होगी रस्सी कंप्लीट, तो अभी निकालते हैं बाहर, चलते हैं। वापस हो रही है भट्टे में, देखो बादल छाए हुए हैं। हाँ भाई चले, देखो कितना मौसम बढ़िया। कर दे चलते हैं, भर गई है। बिजली कड़क रही है, बादल छाया हुआ है, तगड़ा से बादल उठ रहा है, क्या अब तो बारिश भी हो सकती है, ठंड बहुत ज़्यादा है आज तो, बल्कि मैं नहाया भी नहीं, हाथ पैर मुंह धोए थे, तो इसलिए बस जुकाम की दिक्कत हो जाएगी अगर नहा लिया तो। तो आज आपको जानकारी देता हूँ कि मतलब कि भाई लोड का साधन है हमारा, तो इसमें रिस्क बहुत है, मतलब कि ट्रैक्टर में ट्रॉली में रिस्क बहुत है, क्योंकि ना वजन में आगे से उठता है ये, तो इसमें रिस्क होता है जान का, माल का, सब कुछ होता है। जैसे 3 किलो की ईंट होती है एक, और भरते हैं 5500 ईंट इंटू 3, तो ये मान लो 16 टन हो गया ईंटों का वजन, और 4 टन ट्रैक्टर ट्राली का लगा लो,
मतलब कि 20-21 टन 22 टन ऐसे माल है, देख लो। तो रिस्क है बहुत ज़्यादा, मतलब बस क्या करें, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी है। फिर ये शुरू से यही काम है, वजन का, इंटों का, ट्रैक्टर का यही काम है। सन 1984 से अपने घर पे ट्रैक्टर है, स्वराज 735 FE, नीले रंग का, शायद लाल रंग का हो, मुझे इतना पता नहीं है, रंग के बारे में नहीं पता। 1984 से अपने घर पे ट्रैक्टर है। तो 96 में जब फल्ड आई थी तब तो मैं मतलब कि एक साल का पता नहीं, हाँ एक साल का था, क्योंकि 94 का जन्म है, तो 95 पता नहीं 95 में फल्ड आई थी, तो तब खेती करते थे पापा और कम से कम 40-50 किलो की, 40-50 किलो के घर पर खेती करते थे, तब से ट्रैक्टर है मतलब कि। तो ट्रैक्टर तो शुरू से ही रख रहे हैं 1984 से, और खेती करते थे लगातार। 95 के बाद खेती छोड़ दी थी, फ्लड आने के बाद, फ्लड जब आई थी तो किले डूब गए थे, तो उसमें घाटा आ गया था। तो मतलब कि जो 1984 में 50 किले थे वो डूब गए थे, पता नहीं, ये नहीं पता भाई धान थी या फिर गेहूं थी, तो उसमें नुकसान हो गया था, तो काफ़ी सारा उसमें बहुत पैसे लग गए थे। और तो फिर हमारे जो श्री प्यारे लाल जी थे, दादाजी थे हमारे, तो वो एक टीन घी का लेके आए थे मोल, भैंस तो हमारे यहाँ भी थी लेकिन घी लेके और भी लेके आए थे, एक टीन घर का था घी का, और एक टीन बाहर से लेके आए थे, तो कि भाई खाओ, टेंशन मत लियो, कोई दिक्कत नहीं है। दादाजी थे परिवार के मुखिया, तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो उन्होंने संभाल के रखा कि भाई बच्चे शरीर से कमज़ोर ना हों, पैसे से कमज़ोर हो गए तो सब कुछ झेल लेंगे, तो सब कुछ झेल लिया था। लेकिन पापा और 6-6 फुट के हैं, 5 भाई थे, 4 बुआ जी हैं, हम 9 भाई हैं और 6 सिस्टर हैं, और तो मतलब कि परिवार है 40-45 जीवों का, 40-45 हैं परिवार में मेंबर्स, बस यही बात है। तो शरीर से नहीं हारने दिया दादाजी ने, तो मतलब पैसे से तो कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो आता जाता रहेगा, इज्जत बनी रहे, बस पैसा तो और कमा लेंगे, मेहनत चाहिए बस आदमी की। चलिए, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना। तो इस वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।